सो गाइस, मार्केट में काफी सारे एयरपोर्ट्स हैं और काफी अच्छे अच्छी क्वालिटी के और काफी हाई प्राइस के एयरपोर्ट्स हैं। बट दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक ऐसी क्वालिटी एयरपोर्ट्स के साथ इंट्रो करवाने वाला हूं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के साथ और काफी अच्छी प्राइस के साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आते हैं बोल्ट की तरफ से आने वाले एयरपोर्ट्स जो कि काफी अच्छे एयरपोर्ट्स हैं और दोस्तों इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करूंगा इस एयरपोर्ट का और अनबॉक्सिंग करेंगे और बताऊंगा कि क्या आपको ये परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। और इसके साथ अपन करेंगे गिव अवे इन्हीं 5 बोल्ट के एयरपोर्ट्स का, यानी कि दोस्तों आप में से किन्हीं 5 को मिलेंगे यही बोल्ट के एयरपोर्ट्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगा तो, और वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं बोल्ट की तरफ से आने वाला एयरपोर्ट्स। और दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एयरपोर्ट्स का आपको एक फोटो देखने को मिल जाएगा, बैक के साइड में आपको मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर और कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है इन्हीं एयरपोर्ट्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रेड कलर के अंदर एक एमएलएफ देखने को मिलता है जिस पर लिखा हुआ है बोल्ट ऑडियो। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर आपको एक देखने को मिल जाता है यूजर गाइड जो कि किसी काम का नहीं है। उसके बाद दोस्तों, और भी कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर एक सेक्शन अलग से देखने को मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, खोलते हैं इस बॉक्स को तो दोस्तों आपको देखने को मिलता है सबसे पहले बर्ड्स के जो पोर्ट होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, इन बर्ड के पोर्ट को आप अपने ईयर के मुताबिक, अपने साइज़ के मुताबिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने एयरपोर्ट्स के साथ। तो दोस्तों, इनको भी साइड में करते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मिलती हैं USB टाइप सी की या फिर माइक्रो USB टाइप की केबल देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिलती है माइक्रो USB टाइप सी की और दोस्तों USB टाइप से माइक्रो USB सी टाइप की आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसको भी साइड में। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इन पोर्ट्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं बॉक्स में और भी कुछ देखने को नहीं मिलता है, सब साइड में करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी पैकेजिंग को कुछ इस तरह से रिमूव करते हैं, साइड में रखते हैं तो बॉक्स कुछ इस कलर, इस तरह से देखने को मिलता है। ब्लैक कलर के अंदर पूरा केस देखने को मिलता है आपको ये एयरपोर्ट्स का। और यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ट ऑडियो और यहाँ पर ये लोगो देखने को मिलता है। पूरे केस के ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बस दोस्तों नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट देखने को मिलते हैं आपके बोट का जो ये केस चार्जिंग के लिए। और दोस्तों, आपका जो अंदर बोट के एयरपोर्ट पड़े हैं वो चार्ज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली वो अभी चार्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों ओपन करते हैं और दोस्तों ओपन करते हैं तो आपको एक कलर अंदर की तरफ से दूसरा कलर देखने को, एक ग्रे कलर की फिनिशिंग देखने को मिलती है। इन ब्लैक के साथ ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, ब्लैक कलर के यहाँ पर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक कलर के अंदर भी ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों इनके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे और दोस्तों काफ़ी लुक लास्टिक लग रहे हैं। एयरपोर्ट्स जो एप्पल एयरपोर्ट्स हैं उनके प्रो के जैसी इसकी लुकिंग है पूरी की पूरी। और दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर एयरपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में तो दोस्तों के इसमें आपको जो ब्लूटूथ का वर्जन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 5। और दोस्तों इसके बाद इसमें जो टच सेंसर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर नहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ साइड के अंदर आप इसको कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप प्ले पॉज और कॉल अटेंड कर सकते हैं और दोस्तों कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों में सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। बात करें दोस्तों इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफ़ी गजब है। बेस इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा बेस है जैसा कि इसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा है एक्स्ट्रा बेस। तो दोस्तों इसका जो बेस है वो काफ़ी एक्स्ट्रा है और काफ़ी गजब का बेस यहाँ पर देखने को मिलता है। बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप किसी एक एयरपोर्ट्स को भी पेयर कर सकते हैं और एक को कैश में रख सकते हैं, दोनों के दोनों मास्टर हैं, दोनों के अंदर ब्लूटूथ वर्जन है, एक साथ में दोनों पेयर कर सकते हैं और दोस्तों एक अकेले को भी आप पेयर करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, मैं इनको पिछले 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने यूज़ करके मैं आपको इसके रिव्यू बता रहा हूँ।
काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये वाटरप्रूफ भी हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसकी बैकअप के बारे में और बैटरी के बारे में, तो दोस्तों आप इसके केश को 2 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं और दोस्तों ये बैकअप देंगे पूरे 15 से 18 घंटा तक ये पूरे बैकअप देंगे। और दोस्तों अगर स्टैंड बाय मोड के ऊपर इनको छोड़ दिया जाए, यानी कि दोस्तों इस केस के अंदर छोड़ दिया जाए, तो 3 दिन तक इनकी बैटरी चलती रहेगी। उसके बाद दोस्तों इसमें MIC माइक भी दिया गया है, स्टीरियो कॉलिंग विद MIC दिया गया है। और दोस्तों गूगल असिस्टेंट या फिर वॉइस कमांड को भी इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो है ना कमाल के फीचर के साथ कमाल के एयरपॉड्स। अगर बात करें दोस्तों इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइस काफ़ी अमेजिंग है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा इतनी सी प्राइस के अंदर इतना कुछ कैसे मिल सकता है। बोल्ट यहाँ पर आपको कम प्राइस के अंदर काफ़ी कुछ दे रहा है। इसकी जो प्राइस है वो है 1,099 रुपये के अंदर मैंने इसको परचेज किया है, और मैंने परचेज किया है इनको फ्लिपकार्ट से। और दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वो है अमेजोन की। अमेजोन पर मैंने ऐसे ऐसे आपके लिए एयरपॉड्स चूज कर रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें इन्हीं एयरपॉड्स के गिव अवे के बारे में, तो दोस्तों गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किन्हीं 5 लोगों को मिलेंगे यही एयरपॉड। उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और इन्हीं वीडियो के बारे में या फिर इन्हीं एयरपॉड के बारे में आपको कुछ भी कमेंट करके बताना है कि कैसा आपको ये लगा। और साथ के साथ वीडियो को भी अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सभी को शेयर कर देना है। और दोस्तों आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना है, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ही मैं इनके रिजल्ट अनाउंस करूँगा कौन विनर बने हैं वो 5 लोग जिनको मिलेंगे यही एयरपॉड्स। उसके बाद दोस्तों अगर इस वीडियो पे आते हैं 500K व्यूज़ और दोस्तों 50K लाइक, तो आप मैंने इससे किन्हीं 5 लोगों के पास होंगे यही बोल्ट की तरफ से आने वाले एयरपॉड्स, है ना कमाल का ऑफर। तो दोस्तों ये सारे काम फटाफट से कर लीजिए और ले जाइए यही एयरपॉड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो दोस्तों वीडियो आप देख ही रहे हैं, रिव्यू आप देख ही रहे हैं, तो दोस्तों ये काम भी कर लीजिए अगर आप बन सकते हैं इन्हीं एयरपॉड्स के विनर। तो बस इन्हीं एयरपॉड्स के बारे में यही था, आपका क्या ओपिनियन है इन्हीं एयरपॉड्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, कीप सपोर्ट कीप लव। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कुछ भी जगह तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।